हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम 2021 के अंदर जो आपका हुआ था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। वी विल नॉट गो इन टू दैट डिबेट और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया डेट दिया है, 10 जुलाई का। जो अभी तक आपका डेट आया है वो 10 जुलाई 2022 को आपका प्रीलिम्स जो है रिकंडक्ट किया जाएगा। तो जिन लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्म्स फिलअप किए थे उनके लिए बेटा ये दोबारा से पेपर होगा, ठीक है, तो ये आप जानते हो। तो अब हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का पेपर इस बार फिर से हम लोगों ने जोर लगा करके देना है, और जिनका पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोबारा से। तो 2021 के अंदर जो पेपर आया था हमारा जनरल स्टडीज़ का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इन डिटेल डिस्कशन होंगे, ठीक है, 15-20 मिनट के वीडियोस होंगे। हर के अंदर पांच छह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो वीडियोस आपको अपलोड फॉर्म में यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा जिसका PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारा कंटेंट HCS का मैं अपलोड करूँगा आने वाले कुछ डेज़ के अंदर, जो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है, बिकॉज डिराइव्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो क्वेश्चन आ गया उसमें से दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसकी जो नॉलेज है उस क्वेश्चन की, वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उसी नॉलेज के अंदर से बेसिकली पूछ लेते हैं वो। चलिए, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ओके। तो पहला क्वेश्चन था बेटा, अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच हैज़ और हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है भारत सरकार ने दिया है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। अच्छा, जो 2021 के अंदर पेपर हुआ था ना HCS का, उसके अंदर एक चीज़ देखी गई कि अगर आपको एक आधा ऑप्शन भी पता है ना तो आप बड़ी इजीली एलिमिनेट कर पा रहे थे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर देखते हैं आपका क्या होगा। आंसर होगा बेटा आपका डी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल। ये चारों की चार जो हैं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर आती है। अब समझ लो, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, तो आपको वो क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2004 के अंदर बेटा भारत सरकार ने लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करना शुरू किया था, जो कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्राइटेरिया है किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने के लिए, क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले, हाई एंटिक्विटी ऑफ द अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो कम से कम, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट होने चाहिए जिसको एक कंसिडरेबल, एक वैल्यूएबल हेरिटेज कंसिडर किया जाए बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, ठीक है। लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बॉरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का वो ओरिजिनल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी दूसरी स्पीच या किसी दूसरी कम्युनिटी से एज इट इज उसको बोरो करके यूज़ कर लिया। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर आपको ऐसी मिलेंगी जो हिंदी से डायरेक्टली बोरोड है या संस्कृत से डायरेक्टली बोरोड है, तो वो इसके अंदर नहीं चलेगा। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बींग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो मॉडर्न लैंग्वेज से, या जो क्लासिकल लिटरेचर है वो मॉडर्न लैंग्वेज से कम्प्लीटली डिफरेंट है। डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज और उसकी बाद की जो फॉर्म्स डेवलप हुई हैं, या उस क्लासिकल लैंग्वेज से जो फॉर्म्स डेवलप हुई हैं उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो लैंग्वेजेस अभी तक डिक्लेयर हुई हैं क्लासिकल, तमिल 2004 के अंदर सबसे पहले ये लैंग्वेज आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस में डिक्लेयर हुई थी। तेलुगु हुई थी बेटा 2008 के अंदर, मलयालम हुई थी 2013 के अंदर, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 और ओडिया 2014। तो लेटेस्ट एडिशन अगर आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर कोई है तो वो कौन सी है, वो है ओडिया, ठीक है। ओडिया जो है वो आपकी लेटेस्ट एडिशन है क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर। वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ ले दैट विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी ओडिया, ऑप्शन डी कन्नड़, ठीक है। अब आप कहने वाले तो कह सकते हैं कि भाई नए टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया पेपर के अंदर, या नया क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बट एक तरह से जो पिछली क्वेश्चन की नॉलेज है उसी में से तो ये डिराइव्ड है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज विरोधी कवि और रिबेल पोएट। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर किसी ने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा हुआ हो ना, वो इजीली इस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते थे। ठीक है, विरोधी कवि, आप देखोगे ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस है ना बेटा, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। विरोधी कवि या रिबेल पोएट किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी काजी नजरुल इस्लाम, सी मोहन सी सुमित्रा नंदन पंत एंड डी मोहन राकेश। ठीक है, तो जिसको नॉलेज है वो इजीली इसका आंसर कर सकता था, एंड द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन बी, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि या रिबेल पोएट बोला जाता है। अब इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अपने पास थोड़ी सी। तो काजी नजरुल इस्लाम इज ऑफिशियली एक्नॉलेज एज द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश इनको बोला जाता है, और एक सेलिब्रेटेड पोएट थे इंडिया के अंदर भी, क्योंकि देखो पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर, बांग्लादेश बना 1971 के अंदर, उससे पहले तो सारा एक ही था ना। तो काजी नजरुल इस्लाम जो है नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। ठीक है, इनको विरोधी कवि या रिबेल पोएट भी बोला जाता है, बिकॉज इनका जो काम था, जो इनकी जो राइटिंग्स थी, ठीक है, दे शोकेस अ वायलेंट कूप अगेंस्ट करोजन ऑफ ह्यूमन थ्रू सर्फडम रिजेंटमेंट एंड रिचुअल। तो बेसिकली काफी वायलेंट राइटिंग्स थी इनकी, ये बेसिकली लोगों को क्या एनकरेज करते थे, ठीक है, ये लोगों को एनकरेज करते थे टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ठीक है, जो भी करोजन हो रहा है ह्यूमन्स का, उसके लिए लड़ने को लोगों को प्रेरित करते थे। नजरुल अवेल्ड थीम्स एंड वोकैबलरी दैट वर नेवर यूज इन बांग्ला पोएट्री बिफोर। जिस टाइप की थीम्स या जिस टाइप की वोकैबलरी काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी पोएट्री के अंदर यूज़ की, वो बांग्ला लैंग्वेज के अंदर या बांग्ला पोएट्री के अंदर पहले कभी यूज होते हुए नहीं देखे गए। तो एक आप कह सकते हो कि एक डिस्टिंक्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, अपनी पोएम्स के थ्रू, अपने पॉलिटिकल और सोशल एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अब इनके जो टू ग्रेटली डिस्टिंग्विश्ड म्यूटिनस, जो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस राइटिंग्स हैं, वो है विरोधी एंड भापगर गन। ठीक है, विरोधी एंड भापगर गन। तो अब किताबों के नाम पर भी तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेयर इज द इमेज ऑफ काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ 1921 नजरुल फॉर्मुलेटेड अनदर वेल नोन पोएम नोन एज कमाल पाशा। ठीक है, कमाल पाशा पोएम भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, एंड अमंग नजरुल्स स्कॉलरली एंडेवरस डिसेमिनेटेड इन 1922 द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ब्यातर दन अग्निवीणा एंड युगावाणी। ये ऐसी किताबें थी जो इन्होंने 1922 के अंदर लिखी थी। तो ये थोड़ी बहुत बुक्स के नाम याद रख लीजिएगा, काजी नजरुल इस्लाम के बारे में याद रख लीजिएगा कि नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश हैं। ठीक है, अपनी रिबेलियस पोएम्स के लिए जाने जाते थे, जिस टाइप की वोकैबलरी और थीम्स इन्होंने बांग्ला पोएम्स के अंदर यूज़ की, देवर नेवर यूज बिफोर। दो इनकी इंपॉर्टेंट किताबें मैंने आपको दिखाई, विरोधी एंड भापगर्गन। उसके अलावा इन्होंने किताब लिखी, एक पोएम लिखी कमाल पाशा, और 1922 के अंदर इनकी कुछ राइटिंग्स थी विच वर ब्याथर धन अग्निवीणा एंड युगा वाणी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड। हिस्ट्री ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, अगर वो मैप्स अच्छे से किसी ने कवर अप किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसके गलत नहीं होंगे। तो अशोकन पिलर्स इनमें से कौन सी साइट के ऊपर मिलते हैं? सांची, सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़ एंड अमरावती। ठीक है, ए वन ओनली, बी वन एंड टू, सी वन टू एंड थ्री एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर? सो सही जवाब होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी, वन टू एंड थ्री ओनली, पहला दूसरा और तीसरा आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब जरा ध्यान से अगर आप इस मैप को देखो, तो इस मैप को मैं दो हिस्सों के अंदर बांट देता हूँ, रुको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को, तो जो आपकी पिलर इंस्क्रिप्शन हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं, दैट दे आर हाईलाइटेड बाय अ ब्लू सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आपका टोपरा में है, मेरठ में है, ठीक है, उसके बाद निगली सागर में है, रुमिनी देई में है, रामपुरवा में है, लौरिया नंदनगढ़ जो आपका ऑप्शन के अंदर था, लौरिया अराराज, ठीक है, उसके बाद सहसरम और हरौरा, कौसम्बी, गुजरा, सांची। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन में क्या क्या था? अपने पास सांची था, सारनाथ था, नंदनगढ़ था और अमरावती था। तो सांची, तो एक मिनट रुको, सांची आ गया, सारनाथ आ गया, नंदनगढ़ आ गया, ठीक है, कौन सा बचा? अमरावती। अब अगर आप सेकंड हाफ खोल करके देखोगे इसका, यहाँ पर इसमें सेकंड हाफ में अमरावती नज़र नहीं आ रहा है,
बट इसके अंदर जो आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी सॉरी 1, 2 एंड 3 आएगा बेटा, हाँ 1, 2 एंड 3 आंसर आएगा, अमरावती के अंदर नहीं है, अमरावती के अंदर नहीं है। तो ध्यान से अगर हमने मैप देखा तो अमरावती के अंदर आपका पिलर इंस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ये 3 लोकेशंस हैं जो आपके मैप के अंदर भी हाईलाइटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ हमजा नामा अंडर अकबर्स ऑर्डर। हमजा नामा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो अकबर की रेन से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर जो चीफ पेंटर्स थे उनका क्या नाम है। एनसीईआरटी पढ़ी हुई हो तो यूं चुटकी बजा करके आंसर हो जाए, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, सैयद अली एंड अब्दास समा। तो थोड़ा सा हमजा नामा के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर से वेरियस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हमजा नामा ये अर्लियर सब अकबर का वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट था जो उन्होंने शुरू किया, और एक तरह से ये जो उनके फादर साहब थे, ठीक है, उन्हीं का एक कंटिन्यूएशन था, हुमायूं का जो प्रोजेक्ट था उसका ये एक कंटिन्यूएशन था हमजा नामा। इट वॉज एन इल्यूस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ हमजा। एंड हु वॉज हमजा? हमजा वॉज द अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, सो हमजा के जो हीरोइक डीड्स हैं उनको बेसिकली इस हमजा नामा के अंदर इल्यूस्ट्रेट किया गया था, ठीक है। अकबर को बड़ा मतलब खुशी मिलती थी यार हमजा की स्टोरीज वगैरह सुनने के अंदर, ठीक है, विच वॉज वेरी मच लव्ड करेक्टर इन मिडल ईस्ट, ओके, और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स के अंदर काफ़ी फेमस करेक्टर थे हमजा, ठीक है, एंड प्रोफेशनल नरेटर्स स्पेशली बुलाए जाते थे फॉर रीड द हीरोइक डीड्स ऑफ हमजा। ओके, साइमल्टेनियसली इस किताब के अंदर एक तरफ स्टोरी होती थी और एक तरफ पेंटिंग होती थी, ठीक है, जो बेसिकली जैसे ये आपकी एक बुक है ना, तो ये बुक के एक साइड पर लिखा हुआ होगा और दूसरी साइड पर क्या होगा, उसका पिक्टोरियल नरेशन होगा, ठीक है, पिक्चर उसका होगा, ठीक है। तो अकबर तो दोनों के अंदर इंटरेस्टेड थे, पिक्टोरियल के अंदर भी और रेसिटेशन के अंदर भी। सो अल्टीमेटली जो सरफेस यूज किया जाता है वो क्लोथ होता है, और उसके ऊपर एक पेपर होता है पीछे, तो पेपर के ऊपर कपड़ा चिपकाया हुआ होता है और जिसके ऊपर नरेटिव लिखा जाता है, जिससे जो नरेटर है वो उसको समझ सके, ठीक है। एंड द टेक्निक अप्लाइड इज गॉश, विच इज वाटर बेस्ड एंड इन ओपेक कलर्स, जो पेंटिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ ले दैट व्हाट इज दिस गॉश, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, तो आप कह सकते हो कि इट इज अ मेथड ऑफ पेंटिंग और राइटिंग। ओके, जो पेंटेड फोलियोज होते थे हमजा नामा के आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हाउस्ड इन वेरियस कलेक्शन। एक किताब आपको जगह जगह पर स्कैटर्ड मिलेंगे ही, वो एक जगह पर मिलेंगे ही नहीं आज की डेट में, जो ओरिजिनल हमजा नामा जो है लिखी गई थी उस समय पर, ठीक है। 14 वॉल्यूम्स थी बेटा इसकी, और अराउंड 1400 इल्यूस्ट्रेशंस थी या 1400 पेंटिंग्स थी, जिसको अराउंड 15 साल लगे थे कंप्लीट करने के अंदर, ठीक है। द सजेस्टेड डेट ऑफ द मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट इज 1567 एंड 1582 एंड वॉज कम्प्लीटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 पर्शियन मास्टर्स। कई बार वो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये मीर सैयद अली और अबू उस सम्माद हैं जिनके अंडर हमजा नामा की पेंटिंग वगैरह की गई थी, ये पर्शियन थे, अरेबिक थे, टर्किश थे, क्या थे, ठीक है। तो पर्शियन मास्टर्स थे, पर्शियन पेंटर्स थे, मीर सैयद अली एंड अब्द उस सम्माद। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है दैट मीर सईद अली एंड अब्द उस सम्माद हु वर देयर इन अकबर्स कोर्ट, ये बेसिकली क्या थे, ठीक है भाई, पेंटर थे, ठीक है, स्कल्पचर्स थे, ठीक है, राइटर्स थे, ऑलराइट, या कोर्ट के मेंबर्स थे, ठीक है। उस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज सत्तवाहना एज के अंदर कौन सी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है सत्तवाहना एज के अंदर, दैट वाज प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। ऑलराइट, ओके गाइस, सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सत्तवाहना वाज प्राकृत थ्रू द दो द स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी। ओके, जैसे अशोका टाइम्स के अंदर होता था, ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी बट स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी यूज हो रही थी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो स्क्रिप्ट के ऊपर भी पूछ सकता था। चलिए दोस्तों, सो दिस इज इट फॉर टुडे और दिस पर्टिकुलर लेक्चर, विल कंटिन्यू सो, ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सारे अपलोड कर दूंगा छोटे छोटे, ताकि आप के ऊपर धीरे 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 एक एक लेक्चर आप देख सको। और व्हाट्सएप पे अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहो तो दिस इज द नंबर 9041244689, बट व्हाट्सएप ही करें, अवॉइड कॉलिंग, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर करें। एंड अगर कॉल शेड्यूल करना होगा तो हम व्हाट्सएप के ऊपर ही कॉल शेड्यूल करेंगे। मेल कर सकते हैं sikshit@gmail.com पर। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आपको फ्री PDF जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन इवन टॉक टू मी ओवर देयर। ऑलराइट, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।